नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल वंडरिंग योगी में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आसन की बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो आसन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। चाहे किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो, या फिर उनको डाइजेशन से रिलेटेड समस्या हो, या किसी को किडनी की समस्या है, या फिर उनको जेनाइटल ऑर्गन या पैल्विक रीजन की किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो यह आसन सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं यह आसन, और उसके बाद में आपको उसके बेनिफिट, कैसे करना है, कब करना है, कितनी बार करना है, ये सारी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हमें लेट जाना है। इसके लिए पीठ के बल आप लेट जाइए, इस तरह से पीठ के बल लेट जाइए और घुटनों को दोनों पैरों से मोड़ लीजिए। जितनी चौड़ाई आपके हिप्स की है, उतना ही गैप आपके दोनों पैरों में होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। और हिप से आपके जो एड़ियां हैं वो 4 अंगुल की दूरी पर होनी चाहिए। अब धीरे से अपने पैरों के पंजों को पकड़ लीजिए, एंकल जॉइंट को आप पकड़ लेंगे, और श्वास भरते हुए अपने कमर वाले हिस्से को ऊपर उठा देंगे इस तरह से। जब इस तरह से आप अपने पैर को ऊपर उठा देंगे तो आपकी थाई और ये कमर ऊपर की तरफ आ जाएगी, और यहाँ पर आप इस तरह से रख सकते हैं। ऐसे नहीं रख सकते तो सिंपल आप हाथों को रखिए। अब आप देख रहे हैं ये पूरा किडनी का हिस्सा है, यहाँ पे किडनी है आपकी, और इस तरफ आपके लंग्स हैं, लंग्स पे पूरा काम हो रहा है, और पूरा पैल्विक रीजन पर काम हो रहा है। इसमें क्या करना है, आपने श्वास भरनी है। 4 से 5 गहरी लंबी श्वास भरिए और छोड़िए। देख रहे हैं आप, पेट जितना ज़्यादा फूलेगा उतना ज़्यादा अच्छे से आसन का प्रभाव होगा। शुरुआत में आप 10 से 15 सेकंड रुकें और फिर धीरे धीरे हाथों को खोल दें, कमर को नीचे ले आएं, पैरों को सामने खोल दें। आसन को करने के बाद इसका काउंटर पोज ज़रूर करना है। किस तरह से, दोनों पैरों को मोड़िए और इस तरह से चेस्ट के पास ला करके थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए इस तरह से। तो इससे क्या होगा, आपकी जो कमर एक दिशा में मुड़ी थी वह दूसरी दिशा में मुड़कर स्ट्रेट हो जाएगी और उसमें कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आएगी। आप एक पैर को भी मोड़ सकते हैं, जो लोग मोटे हैं, पेट ज़्यादा निकला हुआ है, वो एक एक पैर को इस तरह से कर सकते हैं। फिर दूसरे पैर को ले आइए इसी तरह से। धीरे से वापस आ जाइए। तो दोस्तों, आपने देखा ये सेतु बंधासन का अभ्यास। यह अभ्यास बहुत ही सरल और सभी के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, आप इसका जो अभ्यास है शुरुआत में 15 से 20 सेकंड, या बिल्कुल यहाँ बिगिनर हैं तो 10 सेकंड से शुरू कर सकते हैं। खाना खाने के तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के बाद आप इसका अभ्यास करें, क्योंकि ये जो पेट वाला एरिया है यहाँ पर कोई इतना दबाव नहीं पड़ रहा है, आप कमर को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, तो आप इसको 2 से 2.5 घंटे के बाद आप कर सकते हैं। जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो इसे 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट या 3 मिनट तक होल्ड करने का प्रयास करिए, और ये आसन आपके सभी रोगों में बहुत ज़्यादा काम करेगा। चाहे आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको किडनी की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको लंग से रिलेटेड कोई इशू है या हार्ट रिलेटेड इशू है। दोस्तों, यह आसन आपके थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे आपको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, जो आपका वेट अप या डाउन होता रहता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका थायराइड हार्मोन बैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों, एक सिंपल सा सरल आसन कितना ज़्यादा उपयोगी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इस आसन को आप अपने योगा अभ्यास में ज़रूर शामिल करिए और मुझे बताइए इस आसन ने आपको कितना फ़ायदा पहुँचाया। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए योग करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। आप सभी का धन्यवाद।